आज 19 दिसंबर को शहादत दिवस पे जब हजारों लोग लाल किला में पहुंचे तो वहां से पुलिस ने डिटेन कर लिया। हम भी एक ऐसी बस में बैठे हैं, पुलिस कहती है हमें दिल्ली में बवाना की तरफ ले जा रही है। सैकड़ों हजारों प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है। हम चाहते क्या? हम लाल किला से शहीद पार्क तक एक शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आज शहीदी दिवस है, क्योंकि आज वो दिन है जब रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। आज वो दिन है जब महात्मा गांधी ने मेवात में जाके कहा था कि ये देश हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं बटेगा, आप पाकिस्तान बन जाइए। इसलिए आज हम आज़ादी के आंदोलन के प्रतीक लाल किला से लेके शहीद पार्क तक जाके शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। साथ ही इस देश में संविधान पे जो सबसे बड़ा हमला हुआ, ये जो CAA नामक कानून बना है, नागरिकता संशोधन कानून, हम उसका विरोध करना चाहते हैं। क्योंकि पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में हमारी नागरिकता को धर्म से जोड़ा गया। ठीक यही विचार था इसका विरोध करते हुए हमारे देश के आज़ादी आंदोलन ने लड़ाई की। ये असंवैधानिक है,